व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वॉचिंग एचडीएट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं पाकिस्तानी फेमस एंकर आयशा जान से एलिजली बीटन अप बाय हिज एक्स हस्बैंड। कहा ये जा रहा है एक्स है, पता नहीं एक्स है या करंट है। बहरहाल उसने उसको पीटा है ठीक ठाक, और वीडियो आप सबके सामने है। तो इस पे आईएमएल से एक वीडियो आया है, वो हम देखेंगे। साथ साथ हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जितना मुझे पता है वो कोट करूंगा और कुछ बातें भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और थोड़ी हमें हेल्प हो जाती है। शुरू करते हैं 3, 2, 1। 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है। मेरी बच्ची जाहिल है, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जानदेव को। मेरी बच्ची जाहिल है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का फुकदान है। इसलिए मैंने इस शोबे के स्पेशलिस्ट को बुलाया। कौन? किट्टू राव साहिबा, किट्टू राव साहिबा, किट्टू राव साहिबा। चलो है हमारा तालियां। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमारी कॉम के 99.9% लोगों से पूछे क्या कल बड़ी या भैंस, तो वो कहेंगे भैंस, भैंस तो दूध भी देती है। मैं मस्कीन औरत हूँ। आप लोगों को मेरी बातें जो है ना कड़वी लगती हूँ। अरे नहीं चाचा, आपकी बातें भी मीठी है, आपकी स्माइल भी मीठी, आपकी हरकतें भी मीठी, इवन आप खुद मीठे हो। इसीलिए मेरी शोहरत है। आजकल तो नेशनल कंट्रोवर्सी क्या है, मेरी बच्ची जाहिल है, मेरी बच्ची जाहिल है, रोटी खाने को नहीं। और हम इस मुल्क के अंदर इस तरह के बहस मुबाइसे में पड़ गए, देखा है ना उसको। 95% खवातीन को जाहिल कहा। भाई मैं खवातीन का बहुत एहतराम करता हूँ। तो मुझे बताएं कि खवातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। और मैं ये जानता हूँ बतौर मीडिया और एक बतौर एक माशरा खवातीन का एहतराम करना चाहिए। बेटा जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। औरत माँ भी होती, बहन भी होती, बीवी भी होती है, बेटी भी होती। इन सब की इज्जत करोगे तो माशरे में इज्जत का माहौल पैदा होगा। अभी 10-12 दिन पहले ये न्यूज पाकिस्तान में काफी वायरल हुई थी, ये 95% जाहिल वाली। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि जो इस प्रोग्राम की होस्ट थी आयशा जान से, उसका गेम बज गया यार। बजाया किसने? उसके पति ने कूट डाला। एक निजी टीवी चैनल की एंकर पर शौहर के मुबैना तशद्दुद का मामला है। मीडिया और सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हुआ है। बीवी ने शोहर पर मुबैना तशद्दुद का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद शोहर को गिरफ्तार किया गया है। कूटा एक बार नहीं, पिछले 6 महीने से पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल की नंबर 1 एंकर ये सब सहन कर रही है यार। बेचारी का थोड़ा बिगाड़ दिया। ये खातून की बहादुरी है कि केस सामने आ गया और उस पर बात भी हो रही है और एक कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। सो तो पाकिस्तान की आम लड़कियां क्या क्या सहती होंगी। जो एजुकेटेड नहीं है उनका तो बहुत बुरा है। और अपने घर को बचाने के लिए मारे खाते हुए बच्चे भी पाल रही है और खिदमत भी कर रही है। पाकिस्तान के वो मॉडर्न मौलाना है जो सूट बूट पहनकर पाकिस्तानी महिलाओं को जाहिल बोल रहा था, तो दूसरी रिपोर्टर बोल रही थी माफी मांगो। अगर जाहिल कह दिया तो आप माफी मांगे, आपका क्या काम? तब यही एंकर बोल रही थी कि नहीं बात खत्म करो। नहीं ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? ऐसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पे बात करने का, मुझे भी तकलीफ है। आगे चलते हैं। ये जो बन तो उसके लिए बोला कि भाई ये उस प्रोग्राम के होस्ट थी तो उसको खींचना नहीं चाहती थी, मतलब माहौल को गर्म नहीं करना चाहती थी। ठीक है यार, वहाँ मजबूरी थी। रूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने, लेकिन 6 महीने तक अपने पति के मारपीट सहना कौन सी मजबूरी थी? आप इतने बेईमाना तरीके से, इतने बुरे तरीके से किसी को मारे कि आप उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे तो किसी तौर भी जायज बात नहीं है। खैर इस पर इस्लाम क्या कहता है? खवातीन अब ये एक इंडिपेंडेंट वुमन का हाल है। शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है कि अगर बीवी जुबान दराजी करे तो शोहर उसे मारे। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? लोमड़ी के साथ जो मौलाना है ये बकवास कर रहा है सारी, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए झूठ बोल रहा है। उनसे मामूली सा उन्हें मतलब मारे, चेहरे पर मारने की बिल्कुल इजाजत नहीं। बल्कि इस्लाम में तो ये कहा गया है कि जो अपनी बीवी को कुटेगा, बैत से मारेगा, उसको 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेंगी। हमारे यहाँ बाज लोगों में रिवाज है जानवरों की तरह कूटते हैं, पीटते हैं, तमीज से बात नहीं करते। औरत देखें टेढ़ी पसली से जो है पैदा की गई है, अगर तुम इसे ज्यादा सीधा करने की कोशिश करो तो टूट जाएगी। माय गॉड, लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ बीवी पे हाथ नहीं उठाओ। एक दफा भी गलती से उठा लिया बार बार हाथ उठे। वैसे तो मैं चाचा का मजाक बनाती हूँ, लेकिन इस बात पर यार आज चाचा ने दिल जीत लिया। अच्छी सोच है चाचा की, इसीलिए चाचा के लिए तालियां होनी चाहिए मेरे तरफ से। अब देखो डोमेस्टिक अब्यूज ये वीडियो
आयशा जहां रेप के टॉपिक पे, लेकिन इसमें जिक्र डोमेस्टिक अब्यूज का हो रहा है, इस्लाम को कोट किया जा रहा है। देखें सीधा सीधा वे फॉरवर्ड दिया गया है इस्लाम में। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग मुल्ला से इस्लाम सीखते हैं, खुद नहीं पढ़ते। कुछ मराहिल रखे गए हैं, कुछ स्टेप्स रखे गए हैं कि ज़बान से मना करो, ठीक है, अगर फिर भी मामला नहीं हो रहे तो जो है ना सख्ती करो। जिक्र मारने का नहीं है, सख्ती करो। चेहरे पे तो बिल्कुल मारने से मना किया, जानवर को भी चेहरे पे मारने से मना किया गया, तो ख़वातीन और बच्चों पे तो बहुत ही सख्त गुनाह है ये इस तरह से मारना। फिर कहा गया कि फिर भी अगर मामला सही नहीं हो रहे उससे बिस्तर अलग कर लो, ठीक है, अपना बेड आप अलग कर लो उससे, और फिर भी अगर मामला ठीक नहीं हो रहे फिर आपके पास वे फॉरवर्ड है कि आप उस मैरिज से बाहर निकलें, डाइवोर्स की तरफ जाएं, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। लेकिन हमारे यहाँ जब शादी वादी होती है ना तो कहा जाता है कि बेटा तू डोली में जा रही है, अब तेरा जनाजा ही आएगा वहाँ से, तो वो बेचारी फिर जो है ना उसको पता होता है कि पीछे वालों ने तो कभी भी नहीं पूछा, ठीक है, बता भी दे तो वो उसी का कसूर निकालते हैं, तेरा ही कसूर होगा, तूने कुछ ऐसा किया होगा। कुछ केसेस में होता भी है कि लड़की उंगली करती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जहाँ ब्याह के जा रही होती है ना, उनका बेटा वैसे साइको होता है, मेंटल होता है, और उसने अपने घर में भी यही देखा होता है कि बाप जो है ना माँ को कूटता होता है, तो वो यही समझता है कि ये मेरा राइट है कि एक लड़की मुझे ला के दी है, इसको कूटो, ठीक है। तो और लड़की को क्योंकि कहा जाता है कि बस तूने अब जो है ना कुछ भी करके अपना घर तूने संभाल के रखने, तो वो फिर मार खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के इंतज़ार में कि जी बड़े हो जाएंगे तब कुछ फैसला करूँगी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, फिर उनके बच्चे, और इस तरह से ये कहानी मौत पे जाके दी एंड होती है। शहरों का ये हाल है तो आप सोच लें गाँव देहात कस्बों का क्या हाल होगा। और मतलब अभी मुल्तान का, मैं जिस सिटी में रहता हूँ, एक रेनाउंड शिया फैमिली, उनकी बेटी को पहले मार कूट के हड्डियाँ तोड़ी गई, ज़बान काट दी गई, और फिर जो है ना इससे भी दिल नहीं भरा तो उसको पंखे से टांग दिया और मार दिया। और काफ़ी दिन तक तो यही मीडिया पे रिपोर्ट होता रहा जी सुसाइड की है, सुसाइड की है, लेकिन क्योंकि वो फैमिली ज़रा आप कह लें रिनाउंड थी और शिया से ताल्लुक़ रखती थी, मुहर्रम भी चल रहा था, तो जब पोस्टमार्टम हुआ और फोरेंसिक्स हुए तो फिर अब जाके उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया, क्योंकि प्रूफ आ गया कि जनाब ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तो प्रॉब्लम यही है ना कि हम लड़कियों को इतनी हिम्मत ही नहीं देते कि वो आवाज़ उठा सके। बहरहाल आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, देखो गुस्सा इंसान को आ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना इधर उधर हो जाया करो, हाथ उठाने की लोड नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अच्छे मोमेंट सोच लिया करो कि यार इसके साथ मैं इतना अच्छा टाइम भी तो स्पेंड करता हूँ, थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो क्या ही हुआ। तो मेरे ख्याल में बातचीत से मामला सही हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सेव है।